करण जौहर का शो कॉफी विद करण का 7वां सीजन आ रहा है और शो के आने से पहले ही कंगना रनौत ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है। कंगना ने हमेशा की तरह करण को लताड़ा है। इतना ही नहीं, कंगना का ये भी दावा है कि करण के शो का सबसे पॉपुलर एपिसोड वो है जिसमें वो खुद आई थी। आपको बता दें कि कंगना कॉफी विद करण के 5वें एपिसोड में नजर आई थी। कंगना अकेले नहीं बल्कि सैफ अली खान और शाहिद कपूर के 7 शो में नजर आई थी। तीनों स्टार्स फिल्म रंगून के प्रमोशन के लिए आए थे और करण के शो में ही कंगना ने उन पर नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाया था। दरअसल शो में करण ने कंगना से पूछा था कि किसी ऐसे शख्स का नाम लो इंडस्ट्री में से जिन्होंने उन्हें बिना मतलब का एटीट्यूड दिखाया है। कंगना कहती है कि मुझे लगता है कि वो शख्स आप हैं। अगर मेरी कभी बायोपिक बनेगी तो आप उनमें एक ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स का किरदार निभाओगे जो बाहर से लोगों को इंडस्ट्री में बर्दाश्त नहीं करता है। नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले आप हो। इसी पर कंगना ने आज इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि पापा जो अपने शो कॉफी विद करण के सारे फेमस एपिसोड्स को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आज उसका OTT पर प्रीमियम है। पापा जो को गुड लक, लेकिन इस एपिसोड का क्या? ओ सॉरी, सर्जिकल स्ट्राइक घर में घुसकर मारा था ना। मेरा एपिसोड इस शो का सबसे पॉपुलर एपिसोड था और इसके बाद वह TV पर बैन हो गए थे, बिल्कुल उनके फिल्म फेयर अवार्ड की तरह। कंगना ने फिर करण के एक न्यूज आर्टिकल को शेयर करके लिखा है कि मैंने इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलर किया है, जितना उनके अब तक के पूरे काम ने नहीं किया। फिलहाल शो के 7वें सीजन की बात करें जो आज से शुरू होने वाले हैं, तो इस बार शो के पहले एपिसोड के गेस्ट हैं आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। रणवीर और आलिया फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में साथ में नजर आने वाले हैं, जिसे करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं। शो का प्रोमो हाल ही में रिलीज हुआ है जिसे काफी लोगों ने पसंद भी किया है और फैंस इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। आज की इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। ये खबर अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नई खबर के साथ।